डीमन स्लेयर सीजन 4 या फिर हम लोग बोल सकते हैं डीमन स्लेयर हाशिया ट्रेनिंग आर्क एंड उसका ट्रेलर रिलीज डेट सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। और तुम इसे जितने लोग कंफ्यूज थे कि यार इतने छोटी मोटी आर्क को ये लोग कैसे दिखाने वाले हैं, तो या अब इसका ट्रेलर बस 5 मिनट पहले और अभी सारे के सारे लोग इसके बारे में बात करने स्टार्ट कर दे। मैंने भी सोचा तुमको भी बता देता हूँ यार, डीमन स्लेयर के लिए बहुत ज्यादा वेट करता है और इसमें सब लोगों को स्वाद आने वाला है भाई, डीमन स्लेयर इज बैक। पता नहीं तुम्हें से कितने लोगों ने ट्रेलर देखा या फिर नहीं देखा, देख लिया तो बढ़िया, अगर नहीं देखा तो तुम्हारे भाई के साथ देख लो। ओके हियर यू गाइस कैन सी द टाइटल, हियर इज द ट्रेलर, पूरे जापानी में लिखा है। हम एक्साइटेड हेल इसको देखते हैं, पहले देखने के बाद रिलीज डेट और बाकी सारे चीजों के बारे में बात करता है। बट यार शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, यार पैसा नहीं लगता, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद अपनी घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो, बिकॉज़ हम लोग बहुत क्लोज है 7 लाख सब्सक्राइबर्स के। डू इट यार, डू इट बॉयज। ओ वही बीजीएम, वही बीजीएम ऑफर टेबल बॉयस, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बीजीएम वगैरह जो भी है इसकी वजह से कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत बीच में पॉज करूंगा, बाकी तुम समझदार हो। ओके पुराने मोमेंट्स हमारे सारे के सारे। Here we go! अंदर से एक्साइटमेंट बॉयस, इट्स मोर लाइक यू नो डेमन स्लेयर के जो टिपिकल ट्रेलर्स होता है, शुरू में हम लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसके बाद एक्चुअल चीजें दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी सेम किया। शुरू में हम लोगों को देखने को मिला 2019 के एकदम जो सीजन 1 है वो, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला 2020 एंड 2021 के मोमेंट, जो मुगेन ट्रेन और जो सीजन 2 है उसकी अगल बगल की चीजें हम लोगों को दिखाया गया। फिर 2023 ऑफ कोर्स सीजन 3, उसके बाद हम लोग अगर आगे खींचते हैं तो नेज़ुको का वो मोमेंट जो देखने के बाद हम लोग शॉक हो गए थे, आगे मोस्ट प्रोबब्ली 2024, यस यहाँ से प्ले करते हैं। ओके लेट्स गो। ओ ये बॉय बीजीएम बॉय लगाने दे इशू हाशिरास, लेट्स गो। अरे भाई साहब, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से सारे के सारे हाशिरा को एक साथ देखने वाले, उनके जो इंटरेक्शन है देखने वाले, तो इट्स गोना बी फन। ओके आगे देखते हैं, हाँ थोड़ा पॉज कर रहा, कॉपीराइट इशू, आई होप तुम लोग समझ रहे हो। ओके ब्रो दिस इज सो गुड, ये बढ़िया लगा यार, ये बढ़िया लग रहा है। गियो तेंगेन शिनोबू हमारा मुचिरो, हियर्स आवर बीस्ट बॉय माय फेवरेट हाशिरा, हियर्स सानेमी, फिर हमारी मित्सुरी एंड ओबानाई, सारे के सारे एक साथ भाई, ये बढ़िया लग रहा है यार। स्मोक बीच में यार अलग, ओ माय गॉड, ओह ओके दिस इज आवर थिंग राइट नाउ। रिटायर्ड हो चुका था हम लोगों को पता है, बट स्टिल इसको यहाँ पर रखा गया, बिकॉज रिटायर्ड होकर क्या करेगा, इससे बेटर ये यहाँ पर काम करे, ये करने वाला है यू नो बढ़िया रोल प्ले हाशिरा ट्रेनिंग के अंदर, जितने बच्चे हैं उन लोगों को ना संभालने वाला है। और इसको देख के लग रही है ऑलरेडी पिस्ड ऑफ, बहुत गुस्से में, बट ये लोग उसका बढ़िया लग रहा है यार, मस्त है भाई। ओके शिनोबू बेबी, ओह यो बनाई साने में गियो में, ए इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का शक्ल नहीं दिखाया ब्रो, व्हाट इज, सबका शक्ल दिखाया बट उसकी शक्ल नहीं दिखाई यार, ये गलत है। ओके आगे हम लोगों ने नेज़ुको को देखा एंड ऊपर सन है, फिर से समझा रहा है, अभी उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। चलो इस सीजन में हम लोग अच्छे से यार नेज़ुको को सनलाइट के नीचे खेलते हुए उछलते हुए सब कुछ करते हुए देखने वाले हैं। नाइस नेज़ुको लवर्स, दिस वन इज फॉर यू, बट मैप दिख गया इसका मतलब कंफर्म इट्स अ मूवी गाइज, और कुछ और हो ही नहीं सकता। प्रीमियर डेमन स्लेयर वालों को पैसा चाहिए, तुम लोगों को पता है, आगे देखते हैं। ओके ये फैन मोमेंट्स है, थोड़ा बहुत इंक्लूड किया, बढ़िया है। डेमन स्लेयर वाले ना फैंस के लिए कदर करती है, दिखा रहे हम लोगों को, लोगों ने ट्रेलर को खींच किया और देखो 4 मिनट तक लेकर गया भाई, कंटेंट क्रिएटर भी ऐसा नहीं करता है। ओके ये लास्ट सीजन का फ्लैशबैक फिर से दिखा रहा है। ओके लोगो गॉट इट समझ में आ रहा है, मतलब समझा जो लास्ट सीजन है उसके साथ शायद इस सीजन को ना उन लोग मिक्स करने वाला है, बिकॉज पहले वो दिखाया, अभी लोगों दिखाने के बाद ये दिखा रहा है, आगे देखते हैं। हाशिरास बेबी या अभी समझ में आ गया, डीमन स्लेयर वाले हमेशा ऐसा करते हैं। एक साल पहले तुम लोगों को बता के रखा, अगर वो लोग नया सीजन भी लेकर आए तो यार लास्ट वाला जो सीजन है उसका जो लास्ट एपिसोड है वो भी ये लोग मिक्स करने वाले, जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो ये मर्जिंग से पता चल रहा है हम लोगों को, ये हिंट है भाई। Yeah, that's it. Confirmed. चलो भाई अभी ये कंफर्म्ड है, हम लोग प्रीवियस सीजन के एपिसोड देखने वाले हैं, प्लस हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की जो स्टार्टिंग है वो देखने वाले हैं, 2-in-1 का मिक्सचर। आगे 418 427, ओके ये मेरे को समझ में आ रहा है। 140 अलग अलग कंट्री में लोग ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं और उनमें से एक
इंडिया होने वाली है एंड ये मैं 100% बोल रहा हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पैसा ही पैसा चाहिए डिफेंस लेवल। ओके, ये मोस्ट प्रोबली ऐसा हो सकता है कि अलग अलग कंट्री पे अलग अलग रिलीज डेट, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज इसका मतलब ये होगा, देखो ना, दो 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 मतलब फरवरी के अलग अलग डेट, 3, 10, 11, 17, 17, 18, तो ऐसा ही होगा। ओके यार, इन विजुअल की जितनी तारीफ कर लो ना उतनी ही कम है भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है डूड। हियर वी गो भाई, दिस इज सो गुड। ओके, यहाँ पर बेसिकली 24/2 मतलब 2024 फरवरी के 23 तारीख को आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, यही, अब ये पूरा ट्रेलर देखने के बाद मैं कंफर्म चीज तुम लोगों को बोल सकता हूँ। या फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट सीजन की स्टार्टिंग में हम लोगों ने जैसा देखा, इस सीजन की स्टार्टिंग वैसी होने वाली है जो हम लोगों ने सीजन 3 में देखा, कि अपन मून का जो मीटिंग है वो प्रीवियस सीजन 2 के साथ दिखाया गया था, मतलब प्रीवियस सीजन 2 के लास्ट दो एपिसोड के साथ अपन मून को डाल दिया था। तो इस वाले सीजन में ये लोग क्या करने वाले, जो सीजन 3 का लास्ट एपिसोड है जहां पर निज़ुको एकदम से क्योर हो जाती है, वो लास्ट एपिसोड प्लस हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का जो फर्स्ट एपिसोड है कंबाइन करके ये लोग प्रीमियर कर रहे हैं अलग अलग 140 कंट्री में। इंडिया का नाम अभी तक अनाउंस नहीं है, बट लास्ट टाइम की तरह इस बार भी इंडिया में आ जाएगा, इसको लेकर टेंशन ना करो। आई होप तुम्हारे मन के अंदर जितना कंफ्यूजन है सब कुछ क्लियर हो चुका है। डेमन स्लेयर सीजन 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क हम लोग देखने वाले इस बार, और फर्स्ट एपिसोड हम लोग देखने वाले थिएटर में। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क तो छोटी मोटी सी है, अभी आगे देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में डेमन स्लेयर वाले इसको कवर कैसे करते हैं, बिकॉज मांगा रीडर्स को पता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर उतने ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, ये लोग लाइट नोवेल से कुछ चीजें उठाएंगे, या फिर हम लोग को इन्फिनिटी कैसल आर्क भी दिखाने वाला है शुरू के कुछ झलक एंड समथिंग जो सब लोग एक्चुअली में चाहते हैं। बट यहाँ पर अभी तक इस ट्रेलर के अंदर कुछ डीमन वगैरह दिखा नहीं, सारे का सारा हाशिरा दिखे, तो यहां से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ये सीजन बस हाशिरा के ऊपर बेस्ट है, जो ट्रेनिंग वगैरह होता है वही हम लोग को दिखाया जाएगा। बट क्या पता, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज डीमन स्लेयर एक एनिमे लाने से पहले हम लोग को पता है 3-4 अलग अलग ट्रेलर लाते हैं, ये तो फर्स्ट वाला प्रमोशनल ट्रेलर है, बाकी एक के बाद एक ट्रेलर हम लोग इन फ्यूचर देखने वाले हैं। बाकी डीमन स्लेयर का ऑफिशियल ट्विटर पेज से हम लोग को ऑलरेडी बता दिया, जो एपिसोड 11 है प्लस हाशिरा ट्रेनिंग का जो फर्स्ट एपिसोड है वो हम लोग को दिखाने वाले हैं थिएटर पे फरवरी के 23 तारीख को ये आ रही है भाई। और यहां पर हम लोगों ने ये भी बताया डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क जो टीवी सीरीज है वो प्रीमियर होने वाली स्प्रिंग 2024 को, इसका फर्स्ट एपिसोड होने वाला है 1 घंटे का। यहाँ पर फिलहाल हमारे सामने डेमन स्लेयर वालों ने ये ऑफिशियल लिस्ट दे दिया जहां पर पहले ये मूवी आ रही है, तो अभी तक ये अपडेट से चलो डेमन स्लेयर फैंस खुश हो जाओ, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है। बस एक ही चीज अच्छा नहीं लगता है, जो अर्ली प्रीमियर होती है ना तो उससे क्या होता है यार, पहले अलग अलग जगह आ जाती है तो उसके जो स्पॉयलर्स है हमारे सामने देखने को मिल जाता है, जिससे हमारी जो एक्साइटमेंट है ना वो कम हो जाती है, जो हम लोगों के साथ लास्ट टाइम हुआ था। आई होप तुम लोगों को याद है वो अपर मून मीटिंग सब लोग स्पॉयलर मिल गया था, तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, बट स्टिल इट्स ओके, क्या कर सकता है। बाकी अगर इंडिया के बारे में थोड़ा सा भी कुछ अपडेट आ जाए तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो हल्के से दबाओ लाइक बटन, इस वाले चैनल पर ना हो तो यार प्लीज आज तो सब्सक्राइब करना बनता है यार, कर दो यार, क्या सोच रहे हो। चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।